वरुण सामने यहाँ पे लेफ्ट में सर। वरुण सर यहाँ एक्सक्यूज मी होल्ड वेट सर। वरुण का सोलो वरुण लेफ्ट में वरुण यस में वरुण यहाँ पे एक बार चेहरा लग गया वरुण वेट सर वेट गुड टू सी यू टेल अस क्या एक्सपीरियंस रहा आज वरुण क्लास देने मतलब यहाँ स्टूडेंट से मुखातिब हुए आप इतनी कामयाब फिल्म एक अलग लेवल पे ले जाना खासकर कि आपके किरदार को वरुण टेल अस कैसा एक्सपीरियंस रहा अंदर और क्या क्या क्यूरियोसिटी थी स्टूडेंट्स के दिल में क्या किस तरह के सवाल जवाब का सेशन रहा है। बहुत अच्छा रहा आज का जो सेशन था एंड स्पेशली व्हेन यू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर बिकॉज मैं खुद वहाँ पे थोड़े साल पहले उस कुर्सी में बैठ के सवाल पूछता था जब कोई आता था तो ऑब्वियसली जो क्यूरियोसिटी थी जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत अच्छा लगा देख के स्टूडेंट्स के मैं एंड सच अमेजिंग क्वेश्चंस दैट वी हैड एंड ये जो सेशन होते हैं इनसे एज एन एक्टर ऑल्सो कि आपको भी अपनी जर्नी वापस से याद आ जाती है एंड यू काइंड ऑफ रीलिव योर ओन जर्नी वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स हैपेंड क्या क्या चीज़ें करी आपने ज़िंदगी में किस तरह से रस्ते बनते गए सो इट्स ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स रियली नाइस एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एट व्हिसलिंग वुड्स एंड रियली थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर हियर एंड फॉर दिस अमेजिंग सेशन तो बहुत मज़ा आया मुझे। ओके सर आप जाना चाहूंगा क्या सोचा था यू नो वर्किंग विद अ प्रोजेक्ट क्योंकि फुकरे अपने आप में एक ब्रांड है ना और फिर फुकरे रिटर्न और उसको भी इतनी कामयाबी मिलना और फिर ये यू नो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हिसलिंग मूड इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया है क्या रिएक्शन था आपका जब द मोमेंट यू केम टू नो यू दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन। सी आई हैव हैड अ वेरी आप शायद लोगों को पता नहीं होगा आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद सुभाष जी एंड व्हिसलिंग वुड्स। मैं जब मेरी पहली फिल्म बनाने से पहले आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट हियर बट मैं सुभाष जी को असिस्ट कर रहा था ब्लैक एंड वाइट एंड युवराज में तो उस टाइम एंड आई थिंक फर्स्ट बैच ही चल रहा था तो आई हैव काइंड ऑफ मतलब वी ऑल हैव स्टार्टेड टुगेदर इन दिस इंस्टीट्यूट इन दिस इंस्टीट्यूशन तो मुझे जब पता चला मैं पिछली बार भी आया था फुकरे के बाद भी आया था वी हैड अ गुड इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स एंड अच्छा है क्योंकि आपने तो सेम फिल्म बनाई है फुकरे वन फुकरे टू स्टूडेंट्स चेंज हो गए हैं तो सवाल कुछ चेंज हो गए सो दैट वॉज अ गुड थिंग एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू इंटरेक्ट विद हिम। इनफैक्ट हमारे कुछ हो नहीं रही थी कोऑर्डिनेशन डेट्स की तो मैं ही चाह रहा था कि आऊँ मैं क्योंकि आई लव इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स क्योंकि उनके सवाल कुछ दे काइंड ऑफ मेक यू थिंक मैं इसको गाड़ी में आते हुए वही बता रहा था तो कि हम यहीं पे मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ और होता था पहले ये होता था यहाँ पे हमारे एंड वी वर डूइंग अ फिल्म सो एज आई सेड दैट आई वाज नॉट अ स्टूडेंट तो हम एक प्रोडक्शन वाले थे तो हमारे यहाँ पे हंसना खेलना लड़ाइयाँ ये वो सब इसी इंस्टीट्यूट में हुआ है हमारा एडिट यहीं होता था एंड ऑफकोर्स दिस वॉज काइंड ऑफ वी वर वर्किंग आउट ऑफ हियर हमारे शूट तो बाहर ही होता था बट पोस्ट वॉज हैपनिंग हियर एज वेल सो ऑफकोर्स इट्स नॉस्टैल्जिक एंड आई एम लाइक रियली अनफॉर्चुनेट दैट आज सुभाष जी है नहीं बिकॉज आई वॉज रियली लुकिंग ओवर टू मीट हिम बट आई डेफिनेटली गो एंड मीट हिम एट हिज प्लेस। So I've been part of the school since before it started. So I've seen Brig for over 12 years now. We've kind of known each other. So it's even the when Fukre 1 had released and he had come to do the session, it was great, it was outstanding. And when Fukre 2 did so well, we wanted the team to come back and carry on from the last session. The key bit about, you know, somebody who's seen who we know for such a long time is we can actually probe them into asking questions about how their careers have shaped up because their careers are the path that we would like our students to follow. To go from an education to an assistant level, from an assistant level to a, you know, to a creator, to an ideator level, and that's the path that we would like our students to follow. And who better to
talk to them about it than somebody who's actually walked the path. So it's very important that, you know, such kind of people come back and share their experiences. So students learn much, much more from their, you know, the paths that they have walked. Okay, Varun, जब मैं आपके किरदार की बात करता हूँ, फुकरे पहली फुकरे से लेकर अब तक, you know, चूचा सबकी जहन में है, वो बहुत impressive किरदार रहा है, and you continue to do so even in फुकरे written. Do you get little worried? You know, you get, may get typecast. बहुत बारी ये सवाल पूछा गया है कि if I feel scared, if I am gonna get typecast and all that. Firstly, तो अगर आप जिस तरह से भी आपने कहा कि चूचा का जो किरदार है उससे काफ़ी लोग क्योंकि जहन में चला गया है और काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको पसंद करते हैं. आई थिंक एक्टर के लिए सबसे बड़ी जीत ही वो होती है कि उसके किरदार के नाम से उसको अगर जाना जाए तो. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इफ आई फियर ऑफ गेटिंग टाइपकास्ट एंड ऑल दैट, आई थिंक सबसे पहली बड़ी चीज़ जो अचीवमेंट है फॉर एनी एक्टर इज टू गेट कास्ट फर्स्टली ऑन अ रेगुलर बेसिस इन बिग फिल्म्स. Typecasting comes much later, so I'm really not worried about that. Okay, there are possibility, though it is appreciated by everyone, there are possibility of coming with the third installment of Fukre. Lagta hai, and se choda hai. Like, tisra bhi ho gaya. Bhai, humne actually, see, I would not deny it, but can't say really. Matlab, oh, it's pehle double the pressure tha, abhi actually bahut zyada pressure hai to live up to both the films now. So of course comparisons are made between first and second, and so I will not deny it, and it will be silly for me to deny right now and kal announce kar diya aisa kuch koi hai nahi. If we crack a good idea and make a good story around it, we'll make it. Otherwise aisa nahi hai. And there the good thing and the best thing is that क्या होता है कि अभी सीक्वल है, फ्रेंचाइजी है, तो प्रोड्यूसर प्रेशर डालता है कि यार तू यही कर, बना दे, खत्म कर, जैसे भी है. सो दे आर ऑल्सो लाइक एक्चुअली कि जो तेरे को नेक्स्ट करना है, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव टू लाइक इट, इट हैज टू बी, इट डजंट हैव टू बी फुकरे. सो कुछ आता है तो बनेगा, नहीं तो आई मीन आई बी वेरी हैप्पी विद. सो द थिंग इज दैट कि ऐसा हो जाता है प्रेशर की, एंड if you and you can't blame them even if they ask you, because it's a business thing, it's a franchise. aap halki si bhi ek halki bhi film bana doge Fukre 3 ke naam pe, they can probably make money still on it, but they wouldn't want to do that. And there is some quality that we would, at least from our side, wo picture chalti hai nahi chalti hai, nobody can guarantee that. Bholi Punjaban ka idea tha sir aapka? Bholi Punjaban main abhi bhi student se share kiya tha. To ek एक दिल्ली में, यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड, आपको देखना पड़ता है. तो दिल्ली में एक है, फीमेल है जिनका नाम है सोनू पंजाबन, एंड शी वॉज इन टू दिस काइंड ऑफ ट्रेड. सो वी काइंड ऑफ टुक दैट आइडिया फ्रॉम हाउ, एंड शी वॉज लाइक हाउ वी शोन रिचा इन द फिल्म. वो एक स्वैगर, हाँ स्वैग था, एक जोश था, एक चूचा. चूचा का भी अगेन देवर पीपल अराउंड अस, मतलब जब फर्स्ट फिल्म में हमने जब किया था तो एक्चुअली एक लड़का था जो देखता था सपने, और उसका जो दोस्त था वो उसको डीकोड करता था, और लॉटरी खेलते थे वो मतलब वो रियल इंसिडेंट है. भोली पंडित जी, आई थिंक एवरीवन, आई वांट टू आस्क यू, वुड यू वांट टू वॉच फुकरे 3 विदाउट चूचा? That's a bizarre question, actually. Very sorry, I mean, I should not be rude to... I agree what you're saying, I'm not denying that. But man, that question doesn't arise. At least something from his end, at least we get a quote from his... No, but that's the quote for the sake of it. Very important. No, but of course, I think all of us... Without, no one will watch. No. I mean, it's a... Yeah, okay, anyway. I think all of us, I think everyone, the entire team will be very excited if... we crack the right storyline, and if Fukre 3 happens, and I think we'll all be very, very happy, and we'll really look forward to it. Thank you so much. Thank you. Global Advertiser.
for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।